अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड चैप्टर फोर्टीन इन्वामेंटल केमिस्ट्री पार्ट वन दी एटमासफियर आज हम टॉपिक करेंगे वो है सल्फर कंपाउंड्स और ये टॉपिक आपके बुक के पेज नंबर वन टी फाइव पर मेन्शन है सो सल्फ़र कंपाउंड्स में हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र लाइक सल्फर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और इसके अलावा ये ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड तो ये सब कम्पा जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे मेंशन है ये सब सल्फर कंपाउंड्स होते हैं और ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं इसमें सल्फर मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं क्योंकि ये डायरेक्ट कम्बसशन से आते हैं कम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारे पास तब आता है जब ये प्राइमरी पल्यूटेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में ये हमारे पास आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड अ सेकेंडरी पल्यूटेंट सोर्सेस हमारे पास इसकी दो तरह की सोर्सेस हैं नैचुरली भी ये प्रोड्यूस होते हैं इसके अलावा कम्बसन ऑफ फोसल फ्यूल से भी ये रिलीज होते हैं नेचुरल जो सोर्सेस हैं वो है बैक्टीरियल डिके डम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है बाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होती है वेस्ट मटेरियल्स की या ऑर्गेनिक मैटर की डेड ऑर्गेनिक मैटर की तो उस टाइम भी ये सल्फ़र कंपाउंड्स या जो ऑक्साइड्स हैं वो रिलीज होते हैं इसके अलावा वो गैसेस जो होती हैं वो से ये जो गैसेस वॉल्व होती हैं इसमें भी सल्फ़र के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं एंड फॉरेस्ट फायर अब ये सब नेचुरल सोर्सेस हैं फॉरेस्ट फायर भी जब लगती है तो यहाँ से इसमें भी जो गैसेस रिलीज़ होती हैं ये एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं सल्फर के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें फॉसिल फ्यूल्स कम्बस्शन के थ्रू भी प्रोड्यूस होते हैं और एटी परसेंट जो कंपाउंड्स हैं सल्फ़र के वो कम्बस्शन के थ्रू रिलीज होते हैं कम्बस्शन ऑफ़ फॉसिल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में जो फ्यूल uh, यूज़ किया जाता है उसकी कम्बसन से भी ये रिलीज़ होते हैं इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो रिलीज़ होते हैं ये सब इसमें से एट्टी परसेंट जो है ये सोर्सेस हैं सल्फ़र कंपाउंड्स के फॉर्मेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स फोसिल फ्यूल्स कंटेन सल्फर वो फोसिल फ्यूल्स जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है सल्फर एलिमेंट्स जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या हीट के लिए हीट ऑपरेट करने के लिए उनको जब हम बर्न करते हैं इन फ्यूल्स को तो उसमें से क्योंकि ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है तो वो सल्फर के कंपाउंड्स इन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ये ऑक्साइड्स जो हैं ये इस्केप कर जाते हैं एयर की एयर में एज अ पल्यूटेंट अब ये जो ऑक्साइड्स सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जो एयर पर प्रेजेंट हैं ये पोल्यूशन कॉज करते हैं इसलिए इनको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स हैं एयर में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं उन वाटर वेपर्स के साथ जब ये ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं तो इससे एसिड बनता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो एसिड बनाते हैं उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं अब ये एसिड जो होता है ये जब वॉट रेन वाटर में जब मिक्स होता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं क्योंकि सल्फरिक सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इट्स एक एसिड है और जब वो रेन वाटर के साथ शामिल हो जाता है तो उसे उस रेन को हम एसिडिक रेन कहते हैं इसके जो इफेक्ट्स हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि कलरलेस गैस है इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है इट कॉज़ सफोकेशन सफोकेशन कॉज करती है इरिटेशन एंड सीवियर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से होते हैं स्पेशली uh, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड विच डैमेज बिल्डिंग्स एंड वेजिटेशनस सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है ये सल्फ्यूरिक एसिड एसिड ड्रेन बनाती है और वो एसिड ड्रेन फिर डैमेज कॉज करती है बिल्डिंग्स प्लांट्स एनिमल्स वाटर बॉडीज और उन वाटर में रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सबको डैमेज uh, करती है कंट्रोल इसका क्या है कि uh, जो हम फोसल्स फोसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं बर्निंग के लिए वो या तो इस टाइप की इस्तेमाल करें कि उसमें सल्फ़र कंपाउंड्स ना प्रेजेंट हो ताकि एयर पोल्यूटेंट्स ना बने या तो फिर उसमें से सल्फर कंपाउंड्स को रिमूव करके इस्तेमाल किया जा सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट टाइम ला फेस